इस वक्त राम की पैड़ी से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। लगभग 1 लाख दिए यहां पर प्रज्वलित किए गए हैं। प्रभु श्री राम का भव्य तरीके से यहां पर स्वागत किया जा रहा है। लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि लोगों में जबरदस्त जोश। कहाँ से आए हैं? इंदौर से आया हूँ। आज दिवाली मनाई जा रही है, महादीपावली। 500 साल के इतिहास में सबसे बड़ी दीपावली, दीपोत्सव, जिसमें देवता भी मतलब आके यहाँ देवता भी पहुँच गए यहाँ पर। और लोग कह रहे हैं त्रेता युग की अनुभूति हो रही। कहाँ से आए? हम दिल्ली से। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप लोग यहाँ पर दिए जला रहे थे प्रभु श्री राम के लिए? जी जी जी, बड़ा आनंद आया है, बड़ा ऐसा। देखो, स्वर्ग को हमने वहाँ तो नहीं देखा, आज हमारी अगर ये पीढ़ी दिख रही है, देख रही है, तो बड़ा खुशी की बात है, बहुत हर्ष है, इतनी खुशी है। उसे हम सुनाना चाहेंगे, सुनाने के लिए। मेरी झोपड़ी में, मेरी झोपड़ी में बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोला जय जय तस्वीरें दिखाते रहिए। 1 लाख दिए प्रज्वलित किए गए हैं राम की पैड़ी पर और पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है क्योंकि मौका बेहद खास। आज ऐतिहासिक दिन और दिवाली से बढ़कर महादिवाली का त्योहार आज मनाया जा रहा है। कितने खुश हैं आप लोग? ये बहुत खुश नसीबी का दिन है और हमारे 500 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राम मंदिर की स्थापना हो रही है। हमारे कितने पूर्वज दुनिया से चले गए ये सुन सुन के, ये तो हमारी बहुत खुश नसीबी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया जो आज यहाँ नहीं थे वो भी आज यहाँ पर है, वो देख रहे हैं स्वर्ग से। उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनको कोटि कोटि प्रणाम, उन्हीं की वजह से हम ये मना रहे हैं। 500 सालों का लंबा इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई आज। हाँ, आज आ गई, बहुत खुश है। स्वर्ग देख रहा है, स्वर्ग लग रहा है। हाँ बिल्कुल, श्री राम कार सेवक हमारे साथ है। ये वो कार सेवक हैं जिनकी वजह से आज ये दिन हमारे सामने आया। हम इस दिन को उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। कहाँ से हैं आप? ये आप सिकंदरा कानपुर देहात से हैं। हमने 92 में की थी कार सेवा। अब तो बहुत खुश होंगे क्योंकि एक सपना था ये जो पूरा हुआ है। जय जय श्री राम। जेल में रहे थे जी, 15 दिन जेल में रहा था। कार सेवकों ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जा रहा है कि वो भी आज देख रहे हैं स्वर्ग। बिल्कुल देख रहे हैं स्वर्ग में आके। मेहरबानी है, हम राजस्थान से हैं, जोधपुर से। बहुत कार सेवक है और उनका बहुत सहयोग है। 500 साल बाद हमारे राम लल्ला अयोध्या पधारे हैं, अयोध्या में राम लल्ला विराजमान हो गए। बड़ा ही अद्भुत तस्वीरें वहाँ से आई हैं। बहुत अद्भुत तस्वीर आई है उनका, जो उन्होंने जो त्याग दिया था आज हमें, वो लगता है कि वो पूर्ण हुआ। हाँ। जो कार सेवकों ने श्री राम जानकी बैठे हैं सबके सीने, सीने में, मेरे सीने में, सबके सीने में, हर एक दिल के सीने में, इंसान के सीने में प्रभु श्री राम जी बैठे। हो जाए एक भजन प्रभु श्री राम। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम देख लो भक्तो, देख लो, देख लो रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अकल्पनीय है, हम लोग इतने प्रफुल्लित हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इस कलयुग में हम वास्तविकता में त्रेता युग का अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। खुशी तो सभी के चेहरे पर दिख रही है, सबके चेहरे पर, सब चेहरे। जोर से बोलो जय जय श्री राम। वाकई अद्भुत अकल्पनीय।
अकल्पनीय नजारा इस वक्त अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की नगरी में, जहां पर चारों ओर अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, फूल मालाओं से इसे लाद दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर दीपोत्सव की ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1,00,000 दिए जगमगा कर उन्हें रोशन करके प्रभु श्री राम का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज अयोध्या नगरी में दोबारा से आए और उनके प्राणों की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर मोहन भागवत से लेकर तमाम फिल्मी सितारे भी अयोध्या नगरी में पहुंचे। इतने बड़े संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं, पूरा माहौल ही बदला हुआ है, राममय माहौल है, राम राम राज्य। अभी हम लोग जब दीपोत्सव हुआ था दीपावली, बातचीत करते रहिए और उत्साह जो है चरम पर के राम भक्तों का, जैसा कि दिख भी रहा है तस्वीरों में, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, आपके पास दोबारा वापस आते हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।